Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Shahjis Smart Advice. आज मैं आपको फेशियल पिगमेंटेशन के बारे में बताऊंगा. तो इसमें फेशियल पिगमेंटेशन में ये होता है कि ब्राउनिश येलो कलर की डिसकलरेशन आ जाती है फेस पे, और ये जो है वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, वो जो कि मेलानोसाइट कहलाते हैं सेल्स, उसकी वजह से होता है, और उसमें पैचेस बन जाते हैं डार्क कलर के स्किन पे, जो अलग अलग फेस के एरियाज पे नमूदार होते हैं. और ये जो पिगमेंट्स हैं ज़्यादातर औरतों में देखे जाते हैं, और ये जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज की जो दवाइयाँ होती हैं उसके लेने की वजह से होता है, और ड्यूरिंग मेनोपॉज भी होता है. तो इसमें जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ इस्तेमाल होती हैं वो है सीपिया 200. ये टॉप रेमेडी है जो कि येलो और ब्राउनिश डिसकलरेशन ऑफ फेस के लिए इस्तेमाल होती है. ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और फेशियल पिगमेंटेशन, और जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं. इसके अलावा थूजा है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस है 200 में, ये भी स्किन डिसकलरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और इसमें लाइट ब्राउन कलर हो जाता है या रेड कलर हो जाता है, पिगमेंटेड स्पॉट्स हो जाते हैं फेस पर, उसके लिए थूजा 200 इस्तेमाल होती है. इसके अलावा है बर्बेरिस, एक्विफोलियम, एक्विफोलियम 30 में भी है और 200 में भी इस्तेमाल की जा सकती है. ये भी टॉप रेमेडीज़ में आती है जो कि क्लियर कॉम्प्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, और क्लीन ग्लोइंग स्किन के लिए होती है, और इसमें ड्राई जो है वैक्सी या रफ स्किन होगा तो उसमें इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा जो है वो एक दवा है कैडमियम, कैडमियम सल्फर जो है 30, ये भी जब ली जाती है जब पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं सन एक्सपोजर की वजह से, और ब्लॉचेस पड़ जाते हैं अलग अलग किस्म के येलो या ब्लू रंग में या ब्लू टू ब्राउन कलर में आ जाते हैं. अच्छा, सल्फर 30 भी इस्तेमाल की जाती है कुछ सूरतों में, जो कि फेशियल पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि कॉस्मेटिक्स के ओवर यूज़ की वजह से होता है. उसमें ब्लैक पोर्स भी हो जाते हैं फेस पे या नोज़ पे या चिन पे, तो उसके लिए सल्फर 30 इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा लाइको 200 है, ये फ्रेकल्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है जो कि फेस पे होते हैं और ब्लू रिंग्स हो जाते हैं आँखों के पास, उसके लिए लाइको इस्तेमाल की जाती है. उसके अलावा बाडियागा है, बाडियागा 30, ये जो है स्पेसिफिक रेमेडी है पिगमेंटेशन ड्यू टू फ्रेकल्स, फ्रेकल्स की वजह से जो पिगमेंटेशन होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है. उसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं जो जिनको स्टडी किया जा सकता है. उसमें कॉलोफाइलम है, सेमिसिफ्यूगा है, और रेसीमोसा है, और अमोनियम कार्ब है 30 में, ये सब 30 में, और काली कार्ब भी 30 में. तो जनाब ये था फेशियल पिगमेंटेशन जो ज़्यादातर औरतों के फेस पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथिक में वो मैंने आपको डिटेल में बताई. उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह.